अरे गुरु महाराज कि बाबा राम, अरे हाँ वो जाया था। डर लगे मक, अरे क्यों? नहीं नहीं वो तो कोंडायल छे। नहीं नहीं अरे वो एक नंबर बाबा छे, तुमको मालूम नहीं है? वारु एक नंबर छे। अरे हाँ ना दो नंबर कौन तो आसाराम बापू। अरे वो एक नंबर काम करे जो तुमको मालूम छे? हाँ नारायण 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 नारायण। सकल पदार्थ है जगमाई, भाग्य बिना नर पावत नाई। आंखों में रहे दिल में समा गए, उज्जैन से साधु रानी साहिबा तेरे बदले पैदल आ गए। वारे जमाने तेरे भी क्या रंग निराले हैं, किसी ने सफेद तो किसी ने लाल डाले हैं। हाय 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 क्या धरती है और क्या नजारे हैं। अरे बनाने वाले तूने तो क्या रचना की रे मेरे को बिना पूछे। नारायण 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 नारायण। क्या कल्या भाई? अरे कहीं गो? हाँ जाऊ गाँव में देखिए आऊ महाराज जी का। अरे तुम जल्दी जाओ, जाओ। अरे मेरा सपना में आया था वो तो वो आप घर आने वाला होएगा। अरे एक काम करो तुम्हें नहीं चौराहा पर जाओ, तुमको जल्दी मिली जाएगा। हम जाऊं ने ओम ही ओम यति प्राणी हर सांस में, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। ओम ही ओम हर सांस में, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। बाबा नारायण नारायण नारायण। बाबा राम राम। बदतमीज ब्राह्मण को तू राम राम करता है कि पांव छूता है? तारा पांव छे? अरे तुम मेरा दिमाग खराब करता, पांव नहीं है तो मैं कैसे चल रहा हूँ? मारे भाई कैसी सपना में महाराज जी आया था तो वो लंगड़ा था कैसी? अरे मैं किसी के सपने में नहीं जाता, मैं भगवान के कहने पे धरती पे आया हूँ, नहीं तो मैं आसमान पे चांद पे चला गया था, वहाँ लोगों को जमीन बांट रहा था। सुनकी चांद पर चली गो तो ना वहां जमीन कहां सी गई? क्या चाहता है आखिर तू? चला जाए यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करे। क्यों? हाँ तुम कहां से आई रहे आज? अरे मैं उज्जैन का पंडा हूँ और खंडवा का गुंडा हूँ। वो तो देखा ही रहे आज। क्यों महाराज जी? क्या बात है? ओंकार जी गया था अभी भुतड़िया माउस पर। अरे मैं क्यों जाऊँ भुतड़िया माउस पर ओंकारे सर? कही वो झूला पुल पर कही कही करंट उतरी आयो तो मांगने लोग सब मरी गया। ए! अरे मैं कोई मांगने खाने वाला साधु नहीं हूँ बेवकूफ। तो कई डायरेक्टर चोरस? अरे मैं शक्तिशाली साधु हूँ। शक्ति छे? फिर क्या बिना शक्ति का घूम रहा हूँ? तो तू कल परसों तो कही रोज की मारी शक्ति खत्म हुई गई। अरे तू चला जाए यार, अगर साधु संत को छेड़छाड़ की और मेरा कहीं दिमाग खराब होगा मेरी तीसरी आंख खुल गई तो रमन भमन कर दूंगा। नहीं यार थारो दिमाग भी छे। अरे साधु संतों में क्या दिमाग नहीं आता? ये हलावज का ही ले, ये काय है? ये भगवान विष्णु ने मुझे चक्र दिया है ऋषि और धरती पे जाओ। जाओ और लोगों का कपास फूटने लग गया तू मुझे चलाओ सारा चोट्टा छतरी दी जाए विष्णु भगवान। नारायण नारायण तुझे, तू मुझे एल फैल क्यों बोल रहा है? ये काय है? ये मेरा पेरवास है। पेरवास नहीं है ये खोड़वा है। जवान लोग सोचे कि यार अपनो कपास कसो ये चाहिए गयो, ये कुछ काम होएगा ये खासी कटिन नहीं कटती रहा भाई, ये का बाल कौड़ा कौड़ा हुई गया। अरे तू चला जाए यार, मत मेरा दिमाग खराब करे यार। आखिर तू सुबह सुबह आ गया है यार। ओके बंद कर, बंद कर, पानी नहीं आई रोई ना, क्यों पानी नहीं आई गयू? अरे चक्र यार इसे देखता है, इसे देखता है अंगता छाप, ये भगवान शिव ने कमंडल दिया है मुझे। काय का लेना? हवन करते है इससे, बाद में बताऊंगा। चला जाए यहाँ से, किस लिए आया है तू? हाँ तुमको लेना जाए हो। क्यों? चलो ने अपना घर। किसने बुलाया है? रानी साहिबा ने। अरे रानी क्या होती है, मैंने आज तक नारी का मुंह नहीं देखा। नारी का मुंह नहीं देखा तो तू पैदारू कहाँ से उयोज पे? नारायण 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 नारायण। बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग करता है तू। क्यों? क्या बात है? क्योंकि तुम्हारी नाटक भी आवाज
मेरी नाटक आती है 9:30 बजे रात में। रात में आती है। हाँ, लोग टीवी में घुसे है कि तुम उनका खेत में घुसी जाओ जी। दिन में नहीं आती। दिन में लाइट बंद हो जाती है। नहीं चल, पर तुम नहीं आता है। तू चला जा यार, मैं किसी के द्वार पे नहीं जाने का। रानी साहिबा को बोल देना कि वो संत महात्मा बहुत शक्तिशाली है, किसी के द्वार पे नहीं जाता। महाराज जी क्या बात है, ये कमंडल से काई करो? वो सब बाद में देखेंगे। कमंडल से ये इससे हवन करते हम। बता तो कसो करो? अरे जैसे तेरे जैसे भक्त आ गए। आ गए जैसे हम उज्जैन से आए। उज्जैन से आए सेमरोल में। हाँ। 4-6 भक्त मिल गए। उन्होंने कहे रिसीवर हमारे घर हवन करना है। हाँ, जैसा तुम मुंदी में आई गया। जैसे यहाँ मुंदी में आ गए। हाँ नहीं, आज कभी 2-4 न कही दियो कि। हाँ, जैसे हमारे पार्षद महोदय मोतीराम भाई है। हाँ हाँ, मोतीराम भाई ने कही दियो कि अपने यहाँ हवन करनो। हाँ तो हवन करते 10-15 कुंडी यज्ञ करते हैं। यज्ञ का हम तो फिर वो तो जमा के करते है जी। बताओ तो कसो करो? जैसे इसमें जल भरा। हाँ वो तो मकम आलम थे कि जल भरो जब हवन हो तो एका नहीं तो ऐसा कहीं बिन जल से का हवन हो। अरे जैसे जल भरा और ऐसे बैठ गए और हवन चालू हो जाता है। बटियो तो वो सोच रहे भाई, मकल लगा कि यो खाई पीना ऐसो जो हवन मचकाई रही हो। अच्छा तो मसा पट्टी गए। हाँ तो कितना कितनी कुंडी न मनाई दे? अरे 11 कुंडी यज्ञ करते हैं, 15 कुंडी यज्ञ करते, कई प्रकार के यज्ञ करते हैं। मैं कह दे तुम्हारो कमंडल, तू क्या देखेगा इसमें? जैसे ये कमंडल थे। हाँ ये काम का ही फरवत पानी पानी बोलते हैं निमाड़ी में। हाँ हम जल का वहां। हाँ चल तेरा मन हो बोल। हम महाराज है, तुम लोग है, ये काम जैसा हम पानी भरा। अच्छा दिन निकलो से हवन चालू हुई जा 4-1 बजे से। 4-1 बजे हवन को समझी मीटिंग चालू। अच्छा खड़ा हूं 5-6 बजे। नहीं नहीं हमारा हवन तो दिन में होता है। तो हम भी दिन दिन निकलो कर रहे हैं। कैसे हवन करते हो? एक हम पानी भरियो। अच्छा भरियो जो चले। किधर कहाँ हवन कहाँ होता है? हवन को कहीं ठिकानो नहीं। हवन कैसे हवन करते हो तुम? हवन को कई ठिकानों ने कि हवन कहाँ हुआ हुई सकत। हवन कभी अपन करने जावा ना कभी वहाँ कोई करतो हो अपना आगर निकली जानो नीचे डोबरी करी ना। अच्छा तो तुम्हारे यहाँ कई ऐसे महात्मा है कि जगह जगह पे हवन करते रहते हैं? महात्मा का ही महाराज लेकर हवन आरो घर मच करी दिए। कैसे हवन करते है बता? जैसे अपनी कमंडल लेने निकलिया। अपन ने तू मूर्ख तू न तू हवन का ऐसा उपज ऊपर कर रहा है? अरे मैं तो बहुत शक्तिशाली साधु मेरे रूप प्रकार से करता हूँ, तू कैसे करता है बता? तू भी बैठी न कर की। अरे बैठ के हवन होता है तो ऊंच कई रोजा सुनिया तो कर यार। तू तो कमंडल हाथ में रज भरे रज है बाप तो पूरी रज गया। महाराज जी क्या बात है? कमंडल रखियो। अच्छा वो तो रखना ही पड़ता है धरती पे न पटिया हवन करना। बाबा ये कुंडी बड़ी मोटी आज पड़ी जाए ऐसे यज्ञ करते तुम्हारे इधर? ये कुंडी तो यहाँ हुई जाए। अच्छा दूसरी कुंडी जरा बोन सर कनो पड़ ऐसे हवन करते हैं? तीसरी कुंडी कई हो तो हो नहीं तो खड़ो हुई जान। अरे तू चला जा यार, तू तो मुझे लगता है भेकी भेकी बातें कर रहा है यार। तो तुम 11 कुंडी कसा करी दो यार? दारू पियल तो कोशिश खूब करे पर एकादी कुंडी भी नहीं होती उनका। अरे तू चला जा यार, तू मेरा दिमाग खराब कर रहा है। मेरा कमंडल दे दे मेरे को। क्यों बाबा? हाँ जैसा तुम हवन करो। अच्छा वहाँ कुंडी तो बनाई दे। अरे हवन कर देते जैसे हवन किया और पूर्ण हो गया तो फिर हम हमारे धाम पे चले जाते हैं। जो भक्त लोग रहते हैं उस पे वो जो भभूति निकलती है उसे फेंक देते हैं। सही से समझी तुम कुंडी बनाई दियो अखोड़ी दूसरा नाक। अरे वो हवन में की राख को बाहर फेंकते हैं। राख वाज हमारा ले रखोड़ी कर वो का नाकनो पड़े क्योंकि हवन बुरो देखा। अरे तू चला जा यार, मत मेरा दिमाग खराब करे यार। तुम चलता नहीं घर? अरे मैं किसी के द्वार पे नहीं जाता। रानी साहिबा को बोल देना अगर उसकी इच्छा है तो आ जाए मेरी कुटिया पे, मेरे आश्रम पे आ जाए। क्यों बाबा? हाँ
वो पिप्पल कोठा से तीन बकरी ने किन्ना मचकाई थी। मैं चोरी चपाटी करने वाला साधु दिखता हूँ? मर्दाना में पकड़ाया था नहीं तुम? अंदर की बात बोल रहा है तो बाहर की वार काय कहूं? बापा क्या बात है, तुम चली रहे आज? मैं नहीं जाने का, बोल देना रानी साहिबा को कि आप अगर जाओगी हाँ? तो आएगा साधु। जाऊं तो? हाँ चला जा। देखिए धरती पे जैसे आया तो मैंने देखा कि क्या अनर्थ हो रहा है। हे भगवान, तूने सृष्टि तो अच्छी रची मगर कोई दुख कोई सुख उठा रहा है। बिचारी माता बहने दिन भर कपाट बीनती है और आदमी परवारू दारू के पैसे मांग लाता है और पी जाता है। वारे भगवान, विचित्र तेरी दुनिया है। मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी भक्ति में लवलीन होना चाहता हूँ भोलेनाथ, मुझे कोई डिस्टर्ब न करे। ओम नमः शिवाय। आई लव यू रसना। ए हसीना, तुझको देख के आ गया पसीना, जीना तो तेरे साथ में, नहीं तो लुआ करान खा के मर जाना। हाय हाय तिकड़े सांगला, लड़की लोग को साधु बहुत पसंद करता जी। अरे महाराज जी, आई लव यू, गुड मॉर्निंग। अरे तुम वही हो, मेरे सपने में आए थे। अरे तुमने सही पहचाना रानी साहिबा। अरे हाँ बाबा, मैं पहचान गई तुम्हें। पहचान गई? अरे हाँ। अच्छा किया तो पहचान गई, नहीं तो माई भूल जाता। अरे महाराज जी, क्या बात है? एक बात बोलूं आपको? जरूर, तुम्हारे खातिर मैं नंगे पैर आ गया रानी साहिबा, नहीं तो मेरे बाप की 50 एकड़ जमीन है, काम करने में क्या मेरे को सपाटा आता है? अरे महाराज जी, क्या बात है रानी साहिबा? अरे मेरे घर चलोगे? घर? अरे हाँ। ना। अरे बाबा, धोखाधड़ी करती है महिला, उतार देगी मेरे को कहीं। अरे नहीं नहीं बाबा, अरे चलो ना यार। नहीं, एक बार गया कि वापस नहीं आने। अरे नहीं नहीं बाबा, अरे मैं ना घर पे अकेली रहती हूँ। वो तो सब ऐसी बोलती है, अकेली रहती ना, जब गया साधु की फिर 4-5 जन आ जाते। नहीं नहीं बाबा, तेरे जैसी लड़की मुझे मिल गई अभी सेम रोल में। अच्छा तो फिर क्या हुआ? उसने कहा कि हे ईश्वर मेरे द्वार पे चलो। फिर क्या हुआ? मैं उसकी चिकनी चपोटी बातों में आकर उसके घर पे चला गया। अच्छा, घर के अंदर गया और दरवाजा कौन सा था? पत्थर वाला, बहुत बड़ा गेट वाला। अरे बाप रे। अरे उसने बोला था रिसीवर में अकेली रहती हूँ, मैं बेफिकर चला गया। तो फिर क्या हुआ महाराज? जब अंदर गया ना, 4-5 पहलवान लठ लेके तैयार हुए। अच्छा, जब बाबा को सपाटे पे सपाटे पटे, उपाटे पे उपाटे, तो साधु को भसड़ दी थी, सेमूड़ बाहर आ गया। अरे नहीं नहीं महाराज जी, उस दिन से साधु ने कसम खाली, भले तामेसर के कूड़ में रहेगा, भूखे मर जाएगा, पर किसी के द्वार पे नहीं जाएगा। नहीं नहीं, अरे आप नहीं चलोगे ना हा? तो मैं अपने प्राण दे दूंगी आपके सामने। ना ना ना, मेरा दिल दुखाने वाली बात मत बोलो रानी साहिबा। तो फिर चलो ना यार। हाय, डोंट टच मी, मुझे छूना नहीं। नहीं नहीं बाबा, मुझे छूना है ना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा हाँ, तेरी जुल्फाओं में मेरे काले भूस बाल उतार दू। क्यों, फिर चलोगे ना? रानी साहिबा, तेरे जुल्फाओं में मेरे काले भूस बाल उतार दू, मन तो करता है कि ऐसी जड़ी सुंगाड़ू कि तुझे मैं गायब करके उछाल दू। अरे आप जादू मंत्र भी करते हो? मोहिनी मंत्र है, मैं तो था जो लड़कियों को दूध में पिलाता था। सही में? कोई मुझे पहचान न पाया, जो बेकसूर थे वो बेचारे चले गए और गुनेगार बूंदी में घूम रहा है। फिर चले घर पे? नहीं रानी साहिबा, तुम्हारे घर पे कौन कौन रहते हैं? अरे मेरे घर पे कोई नहीं रहते। अकेली रहती हो? अरे हाँ। देखो, मेरे साथ में छल कपट अगर किया तो मैं तुझे ऐसा शराब दूंगा, ऐसा शराब वो नहीं पीने वाली नहीं, ऐसा शराब दूंगा कि मैं तुझे कीड़ी मकोड़ी बूटाई डेडार मामांजरी कुछ भी बना सकता हूँ, मुझ में इतनी शक्तियाँ प्रकट हुई है नारी। अरे नहीं नहीं बाबा, अरे मैं अकेली रहती हूँ घर में।
तो मैं दुनिया को दिखाने के लिए ये ढोंग धतूरे पहन के आया हूँ रानी साहिबा, न तो मैं फिल्मी दुनिया में रहता था पहले। प्रीति चिंटा, करिश्मा कपूर, रानी मुखर, ऐसे कहीं हीरोनिया मेरे साथ में घूमती थी बिना किराए से। तू फिर चले गया घर पे? मगर तेरे तेरे प्यार ने मुझे अंधा कर दिया और साधु ने नया धंधा कर दिया। मैं तेरे से मिलने के लिए उज्जैन से ओंकारेश्वर आया, ओंकारेश्वर में पता चला कि रानी साहिबा मुंदी में ठुमुक ठुमुक नाच रही है, तो मोतीराम भाई ने मुझे बताया तो मैं यहाँ आ गया। रानी साहिबा, क्या हुआ? तुम्हारे द्वार पे चलेंगे मगर गाते बजाते अंत्या पचार साधु है रानी साहिबा। अरे तो पता आपको गाना कौन सा होना? मन पसंद धार्मिक भजन नहीं होना, मुझे धर्म वो भजन पे बहुत गुस्सा आता है। क्यों? क्या डर लगता आपको? नहीं, ये पागल है जो भजन भक्ति करते हैं। फिल्मी गाने एकदम फंटास्टिक गाओ, फिर साधु जाएगा ढोंग धतूरे बगड़ाए। हर खुल गई सारे नजारे गया? अरे मेरे बचपन का गाना गा दिया तुमने। हाय हाय मेरा हर खुल गए सारे नजारे हो क्या बात हो गई। हाय हाय तूने काजल लगाई। गाना गलत है। अरे क्यों? तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का। अच्छा हो मिल जाए नैना एक दो बरस जरा दिख रहे, तुम्हारी आवाज जेड़ी क्यों हो गई? बाबा राम रहीम कहाँ है? नारायण नारायण, मेरे साथ में छल कपट किया है किसी ने। बाबा क्या बात है? नहीं मैं अच्छा तो गाना गा रही हूँ। अरे रानी साहिबा, तुम्हारी आवाज में चेंज हो गया है। आवाज चेंज इसके लिए हो रही है कि मैं नाप ले रहा हूँ। नारायण नारायण, क्या चाहता है कि तू छोड़ दे मुझे? छल कपट कर रही है रानी साहिबा तू। मैंने तुझे पहले कहा था कि तू मेरे साथ में धोखाधड़ी करेगी। अरे नहीं नहीं महाराज जी, क्या हो गया? क्या हो गया तो मैं छूट गया, नहीं तो मेरा पिछवाड़ा मोड़ देता। अरे आपको पता है मैंने बोला ना मैं आपके लिए भोजन बनाने गई थी। भोजन वो और कुराड़ा निशान रहा था। अरे नहीं नहीं, अरे मैं अंदर है ना भोजन का प्रस्तुत कर रही थी। तू अंदर गई ना, बाहर बसर दी से बंदर आ गया काला। मेरा कंटेज दबा रहा था पर वो तो पसीने में निसट गया। एक काम करो आप है ना यहाँ पर बैठो, स्थान लगाओ। हाँ? मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। भोजन? अरे हाँ, तुम तो कहती थी मैं अकेली रहती हूँ, फिर ये काला ढूंढ कहाँ से आ गया? अरे नहीं नहीं, अरे तो बाहर का लड़का है कोई। बाहर के लड़के भी तेरे पास आते हैं क्या? अरे नहीं नहीं, घूमने फिरने आए थे। तेरे घर में घूमते हैं? मेरे को घुमा रही है बेवकूफ लड़के? अरे नहीं नहीं महाराज जी, अरे मैं झूठ नहीं बोलती। तो मैं और कहाँ जिंदगी में सही बोला हूँ। अरे कहीं गो बाबू आई गयो? अरे हाँ आई गो। मारा बखत का कि मैं किसी के द्वार पे नहीं जाता। अरे काई पर तो बन उतर आई गयो। आई गो तो एक काम कर। काई? तीन बार प्रणाम करो। क्यों? तो अपना घर आयल जे तो असो कही। हाँ आज तेरी करी दो करवानी। अरे मुझे जो प्रणाम करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मैं राशि भी देखता हूँ, मैं फांसी भी देखता हूँ। एक काम कर। हाँ पहले करी दो। एक काम करो पहले तुम करी दो। हाँ वही सकल के मकज का भी कोई ज्ञान बताई दे। अबे जा उल्लू घोड़े ओंकारेश्वर में भीख मांगना। आदमी को आदमियों को मैं कभी आशीर्वाद नहीं देता, कभी महिला बोल दे कि ऋषि और तुम्हारे चरणों में प्रणाम, तो मैं अभी फूल पे से उल्टा कूद जाऊं।
अरे कहीं हाँ जाओ बोला तुमरे चरणों में प्रणाम। भाग्यवती भव सो भाग्यवती भव, दो बार और प्रणाम करो कन्या, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी कन्या, दो बार और प्रणाम करो। अरे महाराज जी आपके प्रणाम। पुत्रवती भव कन्या। तेरे काई तही रोज पुत्रवती भव, उसने जो मांगा मैंने दे दिया, मेरी झोली में कहीं ऐसे आशीर्वाद है।